हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपर्ट्स लॉ स्कूल। आई एम सृष्टि। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट का नेक्स्ट चैप्टर, जो है कि चैप्टर 4। तो अभी तक हम लोग ने चैप्टर 3 देखा, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट टॉक्स अबाउट ओरल एविडेंस। हम लोग ने सेक्शन 3 में एविडेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी। एविडेंस की डेफिनेशन में सेक्शन 3 में लिखा हुआ है कि एविडेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, ओरल और डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी इंक्लूडेड है। तो वही ओरल एविडेंस के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। दो सेक्शन दिए हुए हैं विच टॉक्स अबाउट ओरल एविडेंस। तो चैप्टर 4 है ये, इसमें सेक्शन 459 और 60 में ओरल एविडेंस की बात की गई। तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी हेडिंग डिस्कस करेंगे। पहली हेडिंग है कि व्हाट इज ओरल एविडेंस एज पर सेक्शन 3। ओरल एविडेंस क्या होता है सेक्शन 3 इंडियन एविडेंस के अकॉर्डिंग। दूसरा हम लोग देखेंगे सेक्शन 59 में क्या लिखा हुआ है, फैक्ट प्रूफ ऑफ फैक्ट्स बाय ओरल एविडेंस। सेक्शन 60, ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। इसी सेक्शन से हम लोग एक तो रूल डिवाइस करते हैं और एक प्रिंसिपल इसमें इनकॉर्पोरेटेड है, दैट इज रूल ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ हियरसे एविडेंस। अब इसी में हम लोग समझेंगे कि क्या रूल है, दैट इज ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट और इट इज अ रूल ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ हियरसे एविडेंस। मतलब हियरसे एविडेंस को इंक्लूड नहीं किया जाएगा सेक्शन 60 के मुताबिक। अब ये हियरसे एविडेंस क्या होता है, तो हम लोग यहाँ समझेंगे मीनिंग ऑफ हियरसे एविडेंस। Why is it excluded? क्यों hearsay evidence को हटाया जाता है, क्या need arise होती है कि hearsay evidence को court उसको notice में नहीं लेती है। तो इसमें reasons देखेंगे और last हम लोग देखेंगे exceptions to this rule। इस rule का, rule of exclusion of hearsay evidence का exception, मतलब किन किन circumstances या situations में hearsay evidence को court admit कर सकती है। तो इतना पूरा आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और बीच बीच में रिलेटेड केसेस भी समझते चलेंगे। सो आई विल स्टार्ट विद मीनिंग ऑफ ओरल एविडेंस एज पर सेक्शन 3। तो हम लोग सबसे पहले समझ रहे हैं मीनिंग ऑफ ओरल एविडेंस। तो अगर हम लोग सेक्शन 3 देखें इंडियन एविडेंस एक्ट की, तो उसमें ओरल एविडेंस को डिफाइन किया गया है। उसमें कहा गया है ऑल स्टेटमेंट्स विच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्स टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेसेस इन रिलेशन टू मैटर्स और फैक्ट्स अंडर इंक्वायरी आर ओरल एविडेंस और ओरल स्टेटमेंट। तो ऐसे कोई भी स्टेटमेंट जो कोर्ट अलाउ करती है विटनेसेस को कि वो कोर्ट के सामने आकर बोले इन रिलेशन टू फैक्ट्स अंडर इंक्वायरी और रेलिवेंट फैक्ट्स, उसको ओरल एविडेंस कहा जाता है। तो अगर हम लोग जनरल मीनिंग समझें ओरल एविडेंस का, तो एज द टर्म इटसेल्फ, ओरल एविडेंस मीन्स समथिंग विच इज स्पोकन और एक्सप्रेस्ड बाय द माउथ ऑफ द विटनेस हिमसेल्फ बिफोर द कोर्ट वेयर द ट्रायल इज गोइंग ऑन। तो जब कोर्ट में कोई ट्रायल चल रहा है, विटनेस आकर अपने माउथ से कोई भी चीज बोलता है या एक्सप्रेस करता है, तो उसको ओरल एविडेंस माना जाता है। इट शुड बी इन रिलेशन टू मैटर्स और फैक्ट्स अंडर इंक्वायरी। तो जो प्रोसीडिंग्स चल रही है उसी के वो रिलेशन में, उसी से रिलेटेड वो चीज़ें होनी चाहिए, वो अपने माउथ से एक्सप्रेस कर रहा है, वो ओरल एविडेंस हो गया। एक और सेक्शन यहाँ नोट करते हैं, सेक्शन 119। सेक्शन 119 जो है वो बात करता है कि एविडेंस गिवन बाय द पर्सन्स हु कैन नॉट स्पीक। ऐसे व्यक्ति जो पहले यहाँ वर्ड यूज किया गया था डम विटनेस, ऐसे विटनेसेस जो बोल नहीं सकते हैं, हु कैन नॉट कम्युनिकेट वर्बली। तो वो जो स्टेटमेंट आकर कोर्ट में देते हैं किसी भी तरह से, लिखित में दे रहे हैं या फिर किसी भी तरह से अपने जेस्टर से समझा रहे हैं, उसको भी ओरल एविडेंस माना गया है। तो हम लोग को लगेगा कि अरे विटनेस बोल नहीं पा रहा है, वो लिख के दे रहा है कोर्ट में, तो वो ओरल एविडेंस कैसे हो सकता है। बट यहाँ सेक्शन 119 में एक्सप्रेसली प्रोवाइड किया गया है कि ऐसे विटनेसेस हु आर अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली, वो बोल नहीं सकते हैं, तो वो कोर्ट के सामने आकर किसी भी तरह से अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं, या फिर वो कोर्ट के सामने लिख के दे रहे हैं, या वो अपने जेस्टर से साइन लैंग्वेज से समझा रहे हैं, उसको ओरल एविडेंस माना जाएगा, ना कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो ये हम लोग ने देखा ओरल एविडेंस की डेफिनेशन, हम लोग ने जनरल मीनिंग समझा और 119 भी पढ़ा कि 119 में जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं उनको ओरल एविडेंस माना जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 59। तो हम लोग ने देखा कि ओरल एविडेंस जो है वो चैप्टर 4 में दिया गया है एविडेंस एक्ट के, उसमें दो सेक्शन है 59 एंड 60। 59 में कहा गया है प्रूफ ऑफ फैक्ट्स बाय ओरल एविडेंस। तो फैक्ट्स को ओरल एविडेंस से प्रूफ किया जा सकता है, ये जनरल उसका हेड नोट है। सेक्शन 59 में बहुत सिंपल सी बात करी गई है, All facts can be proved by giving oral evidence. ये general rule है कि हर fact को हम लोग oral evidence देके prove कर सकते हैं, except अब इसमें exception mentioned है। Exception में कहा गया है कि contents of document
and the contents of electronic record cannot be proved by giving oral evidence. तो general rule है कि all facts can be proved by oral evidence except the contents of document and electronic record. तो ये इसमें कहा गया है in other words कि contents of document को और electronic record को हम लोग oral evidence देकर नहीं prove कर सकते हैं. Document के contents को हम लोग prove कर सकते हैं chapter 5 में जो दिया हुआ है. चैप्टर 5 में अगर हम लोग देखेंगे 61 ऑनवर्ड से 61 से लेके 65 में ये डिस्कस किया गया है कि कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट को हम लोग किस तरह से प्रूव करेंगे. तो ओरल एविडेंस देकर हम लोग कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट और कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नहीं प्रूव कर सकते. कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए 65A एंड 65B ऐड किया गया है. उसमें कहा गया किस तरह से कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रूव किया जाएगा कोर्ट में. अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सेक्शन रिलेटेड टू ओरल एविडेंस, दैट इज सेक्शन 60. सेक्शन 60 में कहा गया है ओरल एविडेंस मस्ट इन ऑल केसेस बी डायरेक्ट. तो इसमें कहा गया कि ओरल एविडेंस जो होता है वो डायरेक्ट होना चाहिए. इनडायरेक्ट एविडेंसेस को यहाँ एक्सक्लूड किया गया है. सेक्शन 60 ऑल्सो लेज डाउन वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ गिविंग बेस्ट एविडेंस. तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल भी ले डाउन किया गया है, रूल ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ हियरसे एविडेंस. मतलब सुना सुनाया जो चीज़ें होती हैं वो जो एविडेंस है उसका यहाँ एक्सक्लूड किया गया. हियरसे एविडेंस अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, बट अभी हम लोग जान लेते हैं कि सेक्शन 60 में कहा गया है कि ओरल एविडेंस मस्ट इन ऑल केसेस बी डायरेक्ट. सेक्शन 60 एक्सक्लूड करता है हियरसे एविडेंस को. सेक्शन 60 कहता है कि हर सिचुएशन में बेस्ट एविडेंस देना चाहिए, और बेस्ट एविडेंस क्या होगा? डायरेक्ट एविडेंस. जिस इंसान ने वो चीज़ खुद देखी, सुनी या परसीव करी है वही इंसान कोर्ट में आकर एविडेंस देगा, ना कि कोई दूसरा इंसान. ठीक है, तो इसमें यही कहा गया है कि ओरल एविडेंस जो होता है वो डायरेक्ट होना चाहिए. इनडायरेक्ट हियरसे या डेरिवेटिव एविडेंस जो है वो यहाँ एक्सप्रेसली एक्सक्लूड कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ वर्ड डायरेक्ट यूज है. तो अब ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा फैक्ट है जो देखा जा सकता है तो ऐसा पर्सन आकर उसका एविडेंस देगा जिसने वो फैक्ट खुद देखा हो. जैसे ए ने बी का मर्डर कर दिया, सी वहाँ मौजूद था आई विटनेस की तरह. सी ने वो सब देखा कि ए ने बी का मर्डर किया है. सी आके कोर्ट में डायरेक्ट एविडेंस दे सकता है कि आई एम द आई विटनेस, मैंने ये मर्डर होते हुए स्वयं खुद देखा है. आई हैव सीन ए मर्डरिंग बी. तो यहाँ पर ये जो है ओरल एविडेंस जो सी दे रहा है इट इज डायरेक्ट, क्योंकि उसने खुद मर्डर होते हुए देखा है. तो ए सी ही दे सकता है यहाँ एविडेंस, ना कि कोई तीसरा या चौथा व्यक्ति जो वहां मौजूद नहीं था. तो इफ द फैक्ट कैन बी सीन, ऐसा विटनेस आकर उसका एविडेंस देगा जिसने वो फैक्ट खुद देखा है. इफ द फैक्ट कैन बी हर्ड, ऐसा इंसान आकर एविडेंस देगा जिसने वो खुद सुना है. इफ इट कैन बी परसीव्ड थ्रू एनी अदर सेंसेस, ऐसा पर्सन आकर वहां एविडेंस देगा हु हैज हिमसेल्फ परसीव्ड इट थ्रू हिज ओन सेंसेस. तो ये हो गया डायरेक्ट एविडेंस. Then the evidence must be given by the person who has himself seen or heard or perceived that fact. तो यही कहा गया है इसमें कि अगर मैंने खुद मर्डर होते हुए देखा है तो I can give evidence, ना कि कोई और किसी और के से मैंने सुना था कि उसने कहा है, उसने देखा है, उसने सुना है मर्डर होते हुए, तो ये सब नहीं, बस डायरेक्ट एविडेंसेज यहाँ इंक्लूड किए गए. अब इसके दो प्रोवाइजोज हैं. पहला प्रोवाइजो बात करता है ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स एक्सप्रेस्ड इन एनी ट्रीटी, और दूसरा बात करता है मटेरियल थिंग से रिलेटेड. तो पहला प्रोविजन हम लोग डिस्कस करते हैं ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रीटी. तो अगर कोई ओपिनियन दिया एक्सपर्ट ने एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एनी ट्रीटी एज वेल एज द ग्राउंड्स ऑफ सच ओपिनियन. कोई ओपिनियन दिया या फिर उन ग्राउंड्स पे जो ओपिनियन दिया है अगर वो किसी ट्रीटी में एक्सप्रेस्ड है, तो जनरल रूल तो ये होना चाहिए कि वो एक्सपर्ट जो है वो खुद आकर डायरेक्ट एविडेंस कोर्ट में दे और बताए कि मैंने इस ट्रीटी में ये लिखा है या फिर ये नहीं लिखा है, वॉट एवर. बट अगर वो एक्सपर्ट जो है ही कैन नॉट कम बिफोर द कोर्ट, वो अब इनकेपेबल हो गया है, ही कैन नॉट बी फाउंड, अगर कुछ या फिर ही इज़ डेड, तो ये सब सिचुएशन में क्या हो सकता है कि हम लोग ट्रीटी को ही प्रेजेंट कर देंगे कोर्ट में, दिखा देंगे कि क्योंकि एक्सपर्ट इनकेपेबल है, वो असमर्थ है कोर्ट में आने के लिए, या फिर वो चला गया है, या फिर वो कहीं गायब हो गया है, वो मिल नहीं रहा है, वो डेड है, ही इज़ डेड, ही इज़ इनकेपेबल ऑफ कमिंग टू द कोर्ट, तो यहाँ ट्रीटी को ही प्रेजेंट कर दिया जाएगा. दूसरा है ओरल एविडेंस ऑफ द एक्जिस्टेंस और कंडीशन ऑफ एनी मटेरियल थिंग. कोई मटेरियल थिंग है विच इज़ रिलेटेड टू द फैक्ट एन इश्यू रेलेवेंट फैक्ट. अब
इसके बारे में कोई पर्सन ओरल एविडेंस दे रहा है, तो व्हेन ओरल एविडेंस इज गिवन एज टू द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ मटेरियल थिंग, तो कोर्ट को अगर लगता है कि वो मटेरियल थिंग रेलेवेंट है इस केस में, तो कोर्ट डायरेक्टली कह देगा कि इस मटेरियल थिंग को कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए। तो अगर आप ओरल एविडेंस दे रहे हो कि हाँ इस तरह की गन से मर्डर किया गया या इस चाकू से मर्डर हुआ है, वो चाकू ऐसी दिखती थी, वो इतना लंबा था, वो इतना शार्प उसका एज था, ये सब हम कोर्ट पे बता रहे हैं, तो कोर्ट चाहे तो उस मटेरियल थिंग को प्रस्तुत या प्रोड्यूस करवा सकती है कोर्ट में। तो ये दोनों इसके एक्सेप्शन है कि व्हेन द थिंग कैन बी आस्क्ड टू बी प्रोड्यूस इन द कोर्ट। अगर कोई इंसान उसको ओरल एविडेंस दे रहा है तो कोर्ट ये कह सकता है कि नहीं, आप उस थिंग को ही प्रोड्यूस कर दीजिए किन किन सिचुएशन। तो ये हो गया ओरल एविडेंस मस्ट इन ऑल केसेस बी डायरेक्ट। तो ये हो गया सेक्शन 60 के बारे में, दो प्रोविजोस हम लोग ने डिस्कस कर लिए। अब हम लोग देखते हैं हियर से एविडेंस के बारे में। तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हियर से एविडेंस के बारे में। हियर से एविडेंस के बारे में जानने से पहले फिर से सेक्शन 60 देख लेते हैं। सेक्शन 60 में कहा गया है एविडेंस मस्ट इन ऑल केसेस बी डायरेक्ट एंड देयरफॉर इट एक्सक्लूड्स गिविंग ऑफ इनडायरेक्ट और हियर से एविडेंस। तो सेक्शन 60 में एक्सप्रेसली कहा गया है कि एविडेंस जो होता है वो हर सिचुएशन में, हर केस में डायरेक्टली दिया जाना चाहिए कोर्ट में। इसी वजह से ये ले डाउन करता है रूल ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ हियर से और इनडायरेक्ट एविडेंस। अब हियर से एविडेंस का मीनिंग देखते हैं। तो हियर से एविडेंस मीन्स एनी स्टेटमेंट गिवन बाय अ विटनेस नॉट अपॉन हिज ओन नॉलेज बट अपॉन द नॉलेज ऑफ समवन एल्स इज कॉल्ड हियर से एविडेंस। तो विटनेस जो आकर स्टेटमेंट कोर्ट में दे रहा है, जो टेस्टिमनी दे रहा है, इट इज नॉट बेस्ड अपॉन हिज ओन नॉलेज, वो अपनी नॉलेज पे ना होकर वो किसी और की नॉलेज पे डिपेंडेंट या बेस्ड है, उस स्टेटमेंट को हियर से एविडेंस कहते हैं। तो स्टेटमेंट गिवन बाय द विटनेस नॉट ऑन हिज ओन नॉलेज, वो अपने पर्सनल नॉलेज पे ना देते हुए किसी और के नॉलेज पे उसको वो स्टेटमेंट पता चला है, किसी और से वो पता चला है और वो आकर वो टेस्टिमनी कोर्ट में दे रहा है, उसको हियर से एविडेंस कहते हैं और इनको एविडेंस नहीं माना जाता है और एक्सक्लूड कर दिया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। केस चल रहा है वेयर ए इज चार्ज फॉर किलिंग बी। केस में है कि ए ने बी का मर्डर किया है, ही इज अक्यूज्ड ऑफ किलिंग बी। कोर्ट में एक्स को एज अ विटनेस बुलाया गया और एक्स ने स्टेटमेंट दिया। एक्स ने स्टेटमेंट क्या दिया? एक्स ने कहा कि सी ने मुझे बताया कि ए ने बी को मारा है और सी ने देखा है ऐसा। तो एक्स जो स्टेटमेंट दे रहा है एज अ विटनेस, ये स्टेटमेंट कि सी ने मुझे बताया कि उसने ए ने उसने देखा था ए को बी को मारते हुए। तो दिस स्टेटमेंट गिवन बाय एक्स इज नॉट बेस्ड ऑन एक्स ओन नॉलेज, ये एक्स के खुद के नॉलेज पे बेस्ड नहीं है, ये एक्स जो सी ने कहा उससे वो बता रहा है। एक्स खुद की नॉलेज पे नहीं बता रहा है, एक्स बता रहा है सी की नॉलेज के बारे में जो उससे सी ने कहा। तो ये जो स्टेटमेंट एक्स दे रहा है इट इज इनडायरेक्ट एविडेंस एंड इट इज हियर से एविडेंस विच इज नॉट बेस्ड ऑन एक्स ओन नॉलेज, विटनेस की खुद के नॉलेज पे ना डिपेंड होकर इट इज डिपेंडेंट अपॉन थर्ड पर्सन नॉलेज। तो दिस इज एक्सक्लूडेड एज हियर से एविडेंस। अब हम लोग देखते हैं कि रीजंस फॉर एक्सक्लूजन ऑफ हियर से एविडेंस, किन किन रीजंस पे हियर से एविडेंस को एक्सक्लूड किया जाता है या उसको एडमिट नहीं किया जाता है। कल्याण कुमार गोगोई वर्सेस आशुतोष अग्निहोत्री, इस केस में मेनली हेल्ड किया गया हियर से एविडेंस इज एन एक्सेप्शन टू ओरल एविडेंस। इस केस में कहा गया कि हियर से एविडेंस एज नेम सजेस्ट इट इज़ नॉट बेस्ड अपॉन द क्रेडिट ऑफ द पर्सन मेकिंग इट, जो पर्सन हियर से एविडेंस दे रहा है ये उसकी खुद की नॉलेज पे बेस्ड नहीं है, बट इट इज़ बेस्ड अपॉन द कॉम्पिटेंस एंड क्रेडिट ऑफ समवन एल्स, किसी तीसरे पर्सन की नॉलेज पे ये बेस्ड है। इसी वजह से हियर से एविडेंस को इररेलेवेंट और वेग माना जाता है। इट इज़ इनडायरेक्ट एविडेंस और ये किसी और की नॉलेज से डिराइव किया जाता है, इसीलिए इसको डेरिवेटिव एविडेंस भी कहा जाता है। सो हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट रीजंस फॉर एक्सक्लूजन ऑफ हियर से एविडेंस। तो हियर से एविडेंस को किन किन कारणों से एक्सक्लूड किया जाता है वो हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ये ब्रॉड 3 रीजंस है कि हियर से एविडेंस को एक्सक्लूड किया गया। पहला है कि विटनेस में नॉट गिव एग्जैक्ट एविडेंस, विटनेस में नॉट फील रिस्पॉन्सिबल, वो एग्जैक्ट एविडेंस नहीं देगा क्योंकि वो उसके खुद के नॉलेज पे बेस्ड नहीं है, वो उसने किसी और से सुना है, तो वो एग्जैक्ट एविडेंस नहीं दे पाएगा एंड ही कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड फॉर परजरी फॉर दैट मैटर। तो विटनेस जो है उसने किसी और से वो बात सुनी है, तो इसी वजह से वो एग्जैक्ट और जो असली में हुआ था वो बता नहीं पाएगा, इसी वजह से ही मे नॉट फील रिस्पॉन्सिबल टू गिव द करेक्ट एविडेंस और उसको परजरी के लिए लायबल नहीं किया जा सकता है। दूसरा है विटनेस कैन नॉट बी इफेक्टिवली क्रॉस एग्जामिन।
इसीलिए क्योंकि विटनेस ने खुद वो चीज़ें देखी नहीं है, तो उसको क्रॉस एग्जामिन भी नहीं किया जा सकता है इफेक्टिवली। और लास्ट है कि देर आर चांसेज ऑफ फैब्रिकेशन एंड एग्जैजरेशन बिकॉज विटनेस हैज़ नॉट हिमसेल्फ विटनेस्ड दैट दोज फैक्ट्स, तो इसी वजह से वहाँ एग्जैजरेशन हो सकता है, वो बढ़ा चढ़ा के बातें बता सकता है, वो फैब्रिकेट कर सकता है एविडेंसेस को, अपने हिसाब से कुछ भी बोला जा सकता है और उसको सही से क्योंकि कुछ पता नहीं है जो उसने दूसरे से सुना वो उसको बढ़ा चढ़ा के फैब्रिकेट करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर सकता है। तो दीज आर द रीजंस व्हाई हियर से एविडेंस इज एक्सक्लूडेड। अब इस टॉपिक की जो लास्ट हेडिंग है वो हम लोग कवर करने जा रहे हैं, एक्सेप्शंस। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा सेक्शन 60 में लिखा हुआ है कि एविडेंस मस्ट इन ऑल केसेस बी डायरेक्ट, हियर से या फिर इनडायरेक्ट एविडेंस नहीं दिया जा सकता। पर ये जो है ये एक्सेप्शंस हैं जो इंडियन एविडेंस एक्ट में ही प्रोवाइडेड है, जब हियर से एविडेंस इन सब सर्कमस्टांसिस में इंक्लूड किया गया है या इंक्लूड किया जा सकता है। तो अभी तक हम लोगों ने जनरल रूल देखा कि हियर से एविडेंस जो होता है वो डिराइव्ड नॉलेज पे बेस्ड होता है, दे आर डेरिवेटिव एविडेंस, इनडायरेक्ट एविडेंस एंड देयरफॉर दे आर नॉट बेस्ट एविडेंस, तो उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है, जनरल रूल है ये, क्योंकि हर सिचुएशन में हम लोग को बेस्ट एविडेंस देना है। तो ओरल एविडेंस जो वही देगा जो उस चीज़ को फैक्ट को खुद ही जिसने देखा है, सुना है, परसीव किया है, इसी वजह से हियर से हटाया गया है। बट कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पर हियर से एविडेंस इंक्लूड किया जा सकता है, तो दिस इज एक्सेप्शन टू द जनरल रूल, दैट इज रूल ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ हियर से एविडेंस। तो किन किन सिचुएशन में हियर से एविडेंस को इंक्लूड किया जाता है वो दी हुई है, सेक्शन 6 है। पहला रेस जेस्टे, रेस जेस्टे मीन्स स्टेटमेंट्स मेड इन द सेम ट्रांजैक्शन इन द कंटिन्यूटी ऑफ इवेंट्स, उसको रेस जेस्टे कहते हैं। दिस इज एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ हियर से एविडेंस। एडमिशन एंड कन्फेशन आता है दूसरा। तीसरा है डाइंग डिक्लेरेशन। फिर है सेक्शन 33 में एविडेंस गिवन इन फॉर्मर प्रोसीडिंग्स। सेक्शन 60 का प्रोवाइजो 1 जो हम लोग डिस्कस करा, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट इन ट्रीटीज। और लास्ट है सेक्शन 74, स्टेटमेंट मेड इन पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो ये सारी 6 चीज़ें हैं विच आर एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल। इन सब चीज़ों में हियर से एविडेंस जो होता है वो इंक्लूड किया जा सकता है। तो अगर पूछा जाए कि एक्सेप्शन क्या है हियर से एविडेंस का, किन किन सिचुएशन में हियर से एविडेंस इंक्लूड किया जा सकता है, तो ये 6 सर्कमस्टांसेज हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में जहाँ हियर से एविडेंस भी इंक्लूड किया जाता है। तो ये हम लोग ने पढ़ लिया, अब इससे रिलेटेड हम लोग जो इम्पोर्टेंट केसेस है वो भी डिस्कस करते हैं। स्टेट वर्सेस राजल आनंद, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि इंडियन एविडेंस एक्ट ओनली इंक्लूड्स वर्ड डायरेक्ट एंड इट एक्सक्लूड्स हियर से एविडेंस। तो इसमें कहा गया कि जो सेक्शन 60 में डेफिनेशन दी गई है ओरल एविडेंस की, उसमें सिर्फ डायरेक्ट एविडेंस ही इंक्लूड किया जाएगा और हियर से एविडेंस की कोई भी जगह या फिर प्लेस यहाँ पर नहीं है। दूसरा, यहाँ कहा गया कि रेस जेस्टे जो है सेक्शन 6 में इनकॉर्पोरेटेड जो डॉक्ट्रीन है, इट इज़ ऑल्सो एन एक्सेप्शन टू द एक्सक्लूजन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हियर से एविडेंस। इसी केस में फर्दर कोर्ट ने रेस जेस्टे के डॉक्ट्रीन को एक्सप्लेन करते हुए कहा कि रेस जेस्टे भी सीरीज ऑफ इवेंट में इन कंटिन्यूटी ऑफ सेम ट्रांजैक्शन पर्सन ने कोई चीज़ें ऑब्जर्व करी है और वो आफ्टर द इंसिडेंट गेट्स ओवर उस चीज़ का एविडेंस आके दे सकता है। ऐसा हो सकता है कि ही हैज़ नॉट विटनेस द क्राइम बीइंग कमिटेड हिमसेल्फ, तो इट इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन टू द एक्सक्लूजन ऑफ हियरसे एविडेंस। साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इस केस में कहा गया एडमिशन और कन्फेशन आर एक्सेप्शन टू द एक्सक्लूजन ऑफ रूल ऑफ हियरसे एविडेंस। इस केस में ये कहा गया कि एडमिशन में पर्सन वो स्टेटमेंट दे रहा है जो उसने किसी दूसरे से सुना था, इसी वजह से एडमिशन जो है वो एक्सेप्शन है हियरसे के एक्सक्लूजन का। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आज हम लोगों ने पूरा डिस्कस करा सेक्शन 59 से सेक्शन 60 हम लोग देखा, विच टॉक्स अबाउट ओरल एविडेंस। फिर हम लोग ने हियर से एविडेंस देखा कि क्या उसका मतलब होता है, रिलेटेड केसेस देखे। फिर हम लोगों ने समझा कि रीजंस फॉर एक्सक्लूजन ऑफ हियर से एविडेंस, कि क्यों हियर से एविडेंस को इंक्लूड नहीं किया जाता है, ये हम लोग देखा। और आखिरी में हम लोग देखा एक्सेप्शन, जहाँ ऐसे सर्कमस्टांसेस वेयर हियर से एविडेंसेस आर इंक्लूडेड। तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। अब हम लोग नेक्स्ट जब हम लोग वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम लोग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस डिस्कस करेंगे सेक्शन 61 ऑनवर्ड्स। सो आई विल सी यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।